अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हजरात, और आप जानते हैं कि हमारा ये सारे जो है नशिस्त वाइज हम बात कर रहे हैं ख्वाजा नजमुल हसन को, उनको सेलिब्रेशन के तौर पे हम लेके आए हैं और उनके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जितना और जितने जितने बड़े लोगों के साथ है उन्हीं की जबानी सुनते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमें ख्वाजा साहब कौन से किंग की यादें ताजा करते हैं। जी ख्वाजा साहब अस्सलामुअलैकुम। जी, क्या हाल है। अच्छा देखिए, जी मेरा चूंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा रूममेट जब मैं लाहौर सेंटर पे 10 साल रहा हूँ ना, तो वहां जी फरूख बशीर भी होते थे मेरे साथ ही। ठीक अच्छा, ठीक अब हमें जिस तरह अगर मैं तरन्नुम प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, साथ मुझे एक फोक फोक किसी एक नए सिंगर को लेके, आलम लोहार का कोई प्रोग्राम है या आरिफ लोहार, तो एक हमारी ड्यूटी होती थी कि हर महीने एक फोक सिंगर आप दरियाफ्त करें। अब तो कोई पूछता ही नहीं ना कि कोई है कि नहीं है। ये असलम साहब का एक हमारे लिए खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस होती थी। अच्छा, ठीक 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 अब एक मेन प्रोग्राम के साथ फरूख बशीर को मिला हुआ था रागरंग, अच्छा और मुझे मिला हुआ था कवाली, अच्छा ठीक ठीक 76 और 77 की ये बात है। अच्छा, अब ये होता था कि हम बैठे कमरे में तो देखा तो खान साहब नुसरत फतेह अली खान, जिनको अच्छा लोग किंग ऑफ किंग्स ऑफ कवाली कहते हैं, बिल्कुल कहते हमने वो दौर भी देखा, वो कोस्टर पे आया करते थे अपनी पूरी टीम के साथ और आके कहते थे, ख्वाजा साहब हूं मैं ते आ गया, हूं ते अज मेरे को दो कवालियां करा लो ताकि जान दा साडा हो जावे किराया। अच्छा तो ये फैसलाबाद से आते थे ख्वाजा साहब। फैसलाबाद, अच्छा फैसलाबाद अच्छा से। ठीक है ठीक ये मैं ठीक अभी उनका नाम उस तरह तो पीटर गैब्रियल ने अभी उनको डिस्कवर नहीं किया था। नहीं किया हुआ अच्छा, बेहद नफीस आदमी, इतने था। सीधे और भोले आदमी। अच्छा, फरुख चूंकि मेरे साथ होते थे, कहते ख्वाजा साहब इनको कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दें एसी में और ये तैयार भी हो जाएं, 2 घंटे लगेंगे, सेट लगेगा, वो होगा, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं प्लानिंग ऑफिसर से टाइम ले लेता हूँ, दो कवालियां कर लेते हैं, इनका चेक बनवा देते हैं, बेचारे खुशी से जाएंगे। अब देखिए हम कितना, यानी इस वक्त आप सोच रही होंगी कि टेलीविजन में अभी अच्छे लोग भी थे। देखिए फरुख मेरा रूममेट था, बहुत अच्छे लोग भी था थे बहुत बिल्कुल। अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए हम 10 साल एक कमरे में रहे, हमें कमर साहब कहते थे आप अलहदा, आप इतने इंडिपेंडेंट बड़े हो गए, मैं अपने कमरे, हमने कहा हमने नहीं छोड़ना, इसलिए कि सुबह 9 बजे धक करके दरवाजा खुलता था हमारे ऑफिस का, 10 बजे सबसे पहले मलका पुखराज एंटर होती थी, फिर गुलाम अली, उसके बाद तो फिर लाइन लग जाती थी, बिल्किस खानुम आ गई हैं और भी सारे कंपोजर्स आ गए, मास्टर इनायत आ गए, खलील अहमद आ गए, मुख्तलिफ जितने भी हमारे लाहौर के थे, मास्टर अब्दुल्ला आ गए, ये लोग आया करते थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि दरवाजा खुला तो ये खान साहब थे, मैंने उनको जाके बिठाया, फरूख ने सेट रिकॉर्ड मतलब वो करने के लिए किया, हमने रिकॉर्ड किया इनके 2 एपिसोड में रिकॉर्ड की, मैंने कहा फिर बेचारे ये चले जाएंगे तो ये ना हो कि वो रह ही जाए, उनका पैसे ना मिले। फॉर द मीन वाइल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, फरूख ने चेक बनवा दिया इनका, इनको अच्छा चेक इनके हाथ में दिया, कोस्टर में बैठे, हमको दुआएं दी और वो चले गए। हाँ ये था कैसा है देखें। अच्छा, खान साहब के बताइए बारे में अब आपको मैं बता दूं का आप लोग भी बड़े जी। अच्छे लोग थे ना हाँ अगर सुने, हाँ जी आप देखें कि खान साहब जो हैं वो ही वाज अ लिब्रा, 13 अक्टूबर को वो पैदा हुए थे और 1948 में फैसलाबाद में ही पैदा हुए वो, और राहत फतेह अली उनका भतीजा था, वो उनके साथ आता था। अच्छा, अब जब मैंने ये रिकॉर्डिंग 77 में छोटा सा बच्चा होता था, अच्छा वो एक तान के लिए पूरा 50 मिनट इंतजार किया करता था। देखिए कितना उसमें एक सब्र था, क्योंकि देखिए इनमें एक सब्र, मैंने आपको बताया ना कितना सब्र जरूरी होता है इनके लिए। अब उनमें क्या चीज थी जो किसी और में नहीं थी, कवाली जो वो गाते थे, ही प्लीज पोजेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ वोकल एबिलिटीज एंड कुड परफॉर्म एट हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी फॉर सेवरल आवर्स। ये आप सोचें, देखिए अब आप सोचें, और फिर क्या गाते थे कवालियां, 600 साल ओल्ड कवाली का इनका था फैमिली कॉम्प्लिकेशंस, 600 साल पुरानी, और ही इज वाइडली क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, मेरा आपको खुद सोचे कि कवाली म्यूजिक टू द इंटरनेशनल ऑडियंस, इन्होंने कवाली ना सिर्फ अपने मुल्क में फैसलाबाद में बल्कि पूरी दुनिया में, और इसीलिए तो उनको शहनशाह कवाली कहा जाता है। अब बिल्कुल फैसलाबाद में तो वो पैदा हुए, अब पहली पब्लिक जो अपेयरेंस थी उन्होंने 16 साल की उम्र में दी अपने वालिद के चेहलम पे।
अच्छा अब देखिए उनके, हाँ अब ये इनके वाले नहीं चाहते थे कि ये कवाल बने, वो चाहते थे ये डॉक्टर बने या वो बने, मगर देखिए तबला उन्होंने सीखा पहले चुपके से। उनका जी मैं तो ये नहीं रह सकता। कोई रह सकता है? तुम ये बताओ, अगर मैं सिंगर हूं और मेरी गोद में मेरी बेटी बैठी हुई और मैं हर वक्त बाजे बिल्कुल पे बजा रहा हूँ, तो वो तो डेफिनेटली बिल्कुल यू सी। हाँ ये तो आपकी अल्लाह की देन है। अच्छा ये बात है 1971 की, और ही अच्छा वॉज, देखिए इसके बाद फिर वो ही वॉज साइंड बाय ओरिएंटल स्टार एजेंसी एक होती थी, फिर रहमत ग्रामोफोन कंपनी फैसलाबाद की थी, उन्होंने फिर उनको किया। 80s जो है ना वो पीरियड उनका, देखिए जब कुदरत और अल्लाह ताला खोल देते हैं ना आप पे सारे दर, और उस वक्त तो फिर आप देखिए, और क्योंकि आप में कुछ था तो सही ना, अल्लाह बिल्कुल ताला था, भी तो ना कि खुदा इसने को कितनी पता मेहनत की है, बिल्कुल तबले पे इसने अपने आप को किया, अपने वालिद का, अपने चचा का, अपने सबका उसने साथ दिया, उनको साथ लेके चले। अच्छा 80s में जो था ना उनके लिए एक ऐसा पीरियड आया कि मूवीज, मूवी के स्कोर, एल्बम्स यूरोप में, इंडिया में, जापान में, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए कि उन्होंने अपने आप को बहुत सारी कोलेबोरेशंस भी की, एक्सपेरिमेंट भी किए वेस्टर्न उनके साथ, बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ, और अब आप सोचिए ही टूर एक्सटेंसिवली मोर देन 40 कंट्रीज, 40 से ज्यादा उन्होंने टूर किया। और उनका तो जो था जॉनरा वो कवाली था, गजल भी गाई, क्लासिकल फोक भी गाया उन्होंने। अच्छा आप देखें इंस्ट्रूमेंट्स में वोकल भी थे, हारमोनियम भी प्ले करते थे, तबला भी प्ले करते थे, और उनके एक्टिव ईयर्स अब आप देखें 1965 से लेके 1997, उनकी डेथ से कुछ अरसा पहले। वैसे तो ये फैमिली जो थी उनकी जलंधर से बिलोंग करती थी, मगर वो माइग्रेट कर गए थे पार्टीशन के बाद, इनकी फैमिली जो थी ना लाहौर, जिसको फैसलाबाद अब कहते हैं, उसमें उनके जो थे कजन जो इनके थे फतेह अली खान। अच्छा अब वो म्यूजिकोलॉजिस्ट भी थे, वोकलिस्ट भी थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, कवाल भी थे, ये अब ट्रेडिशन ऑफ कवाली जो है ना वो डिवोशनल म्यूजिक उसको भी कहा जाता है, और ये वो बहुत अच्छा गाते थे। उसमें वो चूंकि वालिद के बाद इन्हीं को गद्दी मिली गाने की, साथ इनके चचा के बेटे होते थे वो भी साथ गाते थे, फिर राहत फतेह अली छोटा सा था बच्चा वो भी आ गया इनके साथ। अब आप देखिए कि खान साहब को कैसे मिला ये सारा कुछ। एक तो ये था कि वो खुद कहते थे कि देखिए जी कवाल का ना बड़ा लोअर सोशल स्टेटस होता है सोसाइटी में, तो इसलिए वो उन्होंने कोशिश की कि अब उनके वालिद भी कहते थे कि बेटा तुम ना ये लेना, एक कवाली में को इतना अच्छा है नहीं इसका स्टेटस होता, मगर उनका नहीं मैंने तो यही करना है, अल्लाह की कुदरत थी। अब आप देखें कि हिज एल्बम इंटॉक्सिकेटेड स्पिरिट जो थी वॉज नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड्स, अब आप ये सोचिए, एंड ही ऑल्सो मेड सम ब्यूटिफुल म्यूजिक फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी सिनेमा, आप जी सोचिए। अच्छा अब देखिए मैडम नूर जहां, उन्होंने शमीम आरा की फिल्म पल दो पल जो बनी थी इनकी उनकी डेथ के बाद, वो उसके बहुत अच्छे गाने अगर आपने देखे हो उसमें गाया था हुमैरा चन्ना ने और राहत फतेह अली ने गाया था। फिर और फिर प्यार हो गया इन्होंने इंडिया में की, जिसमें कि गाने बहुत अच्छे थे, दुल्हा को सहरा सुहाना लगता है, सुहाना ऐश्वर्या और वो थे जी हाँ, फिर लगता कच्चे धागे एक फिल्म थी, फिर धड़कन एक फिल्म थी, उसमें भी इनका बड़ा अच्छा म्यूजिक था। अब आप सोचिए कि बॉबी, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या ज्यादा इसी में हीरो थे, फिर ए आर रहमान उनसे इतना इंस्पायर्ड हुआ कि वो पाकिस्तान आया और उन्होंने आके उनको तेरे बिन जो था ना एक एल्बम वो ट्रिब्यूट एस ट्रिब्यूट उनको दिया। अच्छा अब उनकी लेगेसी देखें, राहत फतेह अली तो है ही, खान साहब ने 1987 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला पाकिस्तान का, 1995 में उनको यूनेस्को का म्यूजिक प्राइज भी मिला, 1995 में ही उनको जो है फकूका जापान का वो प्राइज ऑफ वो कल्चरल प्राइज मिला उनको, फिर उनको टाइम मैगजीन के इशू पे 2006 में 6 नवंबर को आया था, उसमें 60 ईयर्स ऑफ एशियन आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस में उनका नाम है। देखिए अब आप बिल्कुल सोचे कि वो टॉप 10 में उनका नाम आता है, और ये देखिए 2010 तक ये लिस्ट जो है उनकी चलती रहती है, उनके गाने अभी तक चल रहे होते हैं। अच्छा अब ये देखें मैडम का एक दो दिन बड़े किस्से में आपको बड़े मजे के हैं,
एक दफा मैं बैठा हुआ था तो वो आए, 80s की बात है ये, मैडम बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैंने आपके साथ दो डुएट्स करने। आपको याद होगा एक गाना उन्होंने मेरा गाया था मैडम का, साहब तेरी बंदियां मंदियां के चक्कर, ये गाया था खान साहब का प्रोग्राम। अच्छा टेलीविजन में तो मैडम को 3,000 रुपये, आपको पता 5 गानों मिला करते थे हमारा, तो बस होती। ऐसे ही, और सही कहती थी ना, मेरी लिपस्टिक का भी नहीं खर्चा पूरा होता हाँ था। कहा उन्होंने मुझे। अच्छा अब क्या हुआ, इन्होंने मेरी तरफ देखा कि हामी भर दूं मैं ये 2 गानों की। मैंने कहा जी बिल्कुल, इतने खान साहब आपको पता आए, तो कहती हैं कि खान साहब मैं तो मेरा रेट बहुत ज्यादा हो गया। वह उनका क्या, कहती है कि मैं तो ले रही हूँ 1 लाख रुपया एक गाने का। उन्होंने फौरन इकबाल, उनका जो मैनेजर होता था ना, उसको फोन किया, उसे कहा इकबाल बात सुनो, तुम आ जाओ जल्दी से, पैसे ब्रीफ केस में ले आओ। 2.5 लाख उन्होंने यूं पकड़ाए और चले गए। अब रिहर्सल हुई। अच्छा अब वो मैडम को तो पता, आपको पता कितनी गुनी है, वो पहले घर से रिहर्सल करके आवाज अपनी पूरी कायम करके, मुझे याद है कहती नजम तू भी चल मेरे नाल। अच्छा अब गए रिहर्सल, अब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, ए मरशद ने उसको अरेंज किया, तो कहती है ऊपर चढ़ते ही तुसी एक सुर बता दिता है ट्रैक, ऐ तो नहीं चलेगा, मैं तो रिहर्सल होती सुर के, वो जो जिस सुर से किए मैं उसी से गाऊंगी। अब उन्होंने फिर आधा घंटा लगा, उन्होंने सुर दोबारा से, वो हो जाता है ट्रैक का सुर नीचे, वो गया तो फिर उन्होंने गाया। अच्छा अब खान साहब ने ओपनिंग की, तो उन्होंने ताने और पलटे और ये वो। अच्छा अब मैडम ने तो सीधा सीधा गाती है, मैडम तो नहीं ताने पलटे। उनका खान साहब ये पहले आप बाद में चीखे मार लीजिएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन कह दूं आपको। मैडम आपको पता ना बड़ी वो थी बात, हाँ उनकी बात मतलब सीधी बात करती थी, तो उन्होंने कहा जी कर लीजिए आप। उन्होंने अपने पोर्शंस किए, पर्स उन्होंने उठाया, चल ख्वाजा जी चलिए। अच्छा हम निकल गए, गाने आपके सामने दो डुएट्स हुए। फिर अब वो एक दिन हम बैठे हुए थे तो खान साहब आए, कहते मैडम जी मेरे बेटी की 1 साल सालगिरह पहली, और मैं चाहता हूँ आप आए। अच्छा अब मैडम ने मुझे देखा, मैंने कहा जी बिल्कुल चलते। अच्छा अब हम मैडम की गाड़ी में बैठे, बाबा जी साथ, मनो भाई साथ, अच्छी भाई साथ। अब वो मैडम, हम फैसलाबाद गप्पे मार रहे हैं गाड़ी में बैठे, अबाउट इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स, उस जमाने में 2 घंटे ही लगते थे बाय रोड कार। हम उनके घर उतरे, उनकी हवेली नुमा घर थी, गेट के अंदर गाड़ी गई है। अब जो ही मैडम उतरी है, अब खान साहब ने नोट डॉलर्स टक 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 टक, उनके पैर जहां जहां से वो चल रही थे ना, जहां तक दरवाजा नहीं आया ना, वो उनको इतनी, देखे किसी को क्या प्यार इस करना है, एक हद है, ये हद है। ये शो करते हैं कि वो कितने बड़े वो शनास थे, कदर शनास थे ऐसे आर्टिस्टों की जिनको दुनिया जानती है। अच्छा मैडम चूंकि उम्र में भी बड़ी थी और उस तरह अपनी उसमें भी बड़ी थी, तो वो तो लता जी को, लता जी कहती है वो मेरी उस्ताद है, तो इसी तरह खान साहब। अच्छा अब वो अब मुझे नहीं पता, मैंने तो मुड़ के नहीं देखा नोट कहाँ गए, अच्छी मियाँ साथ थे पीछे पर्स में उठा। तो ये ऐसा तो होता रहता है। तो देखिए अब वो अब तो है नहीं, दोनों ही नहीं है, मगर ये है कि एक अच्छी यादें हमें यादें जीने के लिए। हैं, और किस तरह से वाजी साहब, इसीलिए तो आपका इतने इतने लोगों के साथ। अच्छा एक और बात जो बड़े मैं जरूरी समझती हूँ, आपका अभी भी, आप जाहिर आप अभी भी जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आपके साथ पूरी यंग लॉट होती मैं है, भी कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि जो कुछ आपने, जैसे असलम अजहर थे आपके उस्ताद या शुएब हाशमी थे, आप भी अपने हाँ मैं स्टूडेंट्स ना के से ऐसे ही हैं। आप देखें ये जैसे है। मेरे साथ आप पूरी, देखिए सुने, मैं आपको बताऊं, मैं और शुएब और हमने स्टूडेंट्स हमारे निकले हैं वहां से, मगर देखो बात सुनो, हम वी वेंट थ्रू, हमें एक बड़ी सख्त किस्म की ड्रिल से हम गुजर के गए थे। हम अपनी मर्जी से आए थे। शुएब मंसूर वॉज टीचिंग एट डेरा इस्माइल खान यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स के वो टीचर थे, वो अपनी मर्जी से, हम दोनों ने तय किया था। अब जिस तरह मुनीजा हाशमी है या राणा शेख है, ये अपनी मर्जी से आए थे ना, किसी ने कहा तो नहीं था। या शमीम हिलाली, शमीम अहमद जो है, जो अब एक्ट्रेस है, वो पहले एज प्रोड्यूसर आई थी टेलीविजन में। अब देखिए हम लोग आए थे इस फन को सीखने, हम लोग वी वेंट, हमने उस्तादों के थ्रू सीखा। उस वक्त एकेडमी कोई नहीं होती थी। मैं जैसा मैंने आपको बताया कि असलम साहब जो कर रहे होते थे, हम पीछे खड़े होके वॉच करते थे कंट्रोल रूम में या आगा नासिर, हम देखते थे कि इन्होंने कौन सा कैमरा कट किया, किस पे गए, मगर बड़ी जल्दी हमने, हमारी पिकअप बहुत अच्छी थी मेरी और शुएब की। फिर इंस्ट्रक्टर भी रहे एकेडमी में 10 साल, 84 से लेके 92 तक।
तो वो काम भी किया हमने, वो भी किया। अच्छा, फिर सिंगल कैमरा प्रोडक्शन, मुझे जमान अली खान जो एक और हमारे गुरु हैं, बंगाली हैं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके व्हाई डोंट यू डू सिंगल कैमरे पे तुम एक सीरियल क्यों नहीं करते हो। तो हसीना आई, अच्छा उन्होंने कहा, हसीना ने कहा, नजम तानसेन ना करें, बड़ा अच्छा वाह, ड्रामा बहुत बनेगा म्यूजिकल। अच्छा ड्रामा था। एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स ने कहा, सर बिल्कुल हो गया। और फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, सारा लोकेशंस पे करेंगे, एक कैमरे पे करेंगे, ताकि लोगों को एकेडमी में पता लगे कि सिर्फ उस जमाने में तीन कैमरे लगा के ठका ठक रिकॉर्डिंग होती नेक्स्ट ड्रामा चाहता। सही। मुझे लगे तो 2 3 4 हफ्ते अच्छे किसने थे ड्रामे यार। पहले हसीना को किसी ने रिकमेंड किया था, आसिफ रजा मीर थे, साजिद हसन थे। अच्छा, अब मैंने हसीना से कहा, मैंने कहा हसीना अगर हम पीरियड में चले गए ना, थ्रू आउट 16th सेंचुरी में अकबर के पीरियड में, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, शायद लोगों को नहीं अब वो हजम ना हो। एक काम ये करते हैं, एक मॉडल लड़की है जो तानसेन पे रिसर्च कर रही है सही आजकल के जमाने में, जी। लिख रही है, और उसके साथ उसके वो जाती है मुख्तलिफ गुरुओं के पास और उनसे पूछती है कि क्या उसका है बहुत तानसेन के बारे में। अब वो इस तरह का बहुत अच्छा लगा, चूंकि वो अच्छा जो बहुत कैरेक्टर अच्छा। जी, और जो जो कि कैरेक्टर थी वो लड़की, उस उसकी वालदा एक सिंगर थी क्लासिकल, इसीलिए उसको शौक था, और वो उसको गाने का भी शौक था, सही वो गाती सही थी। अच्छा, फरियाल ने किया था, उसके बाद ये जेबा बख्तियार तानी बनी थी, आसिफ रजा मीर जो थे वो तानसेन बने थे, और पूरा विलेज में फिर हमने अटक के किले में शूटिंग की, हमने किली वहां जाके की, रोहतास में की, हमने लाहौर किले में जाके शूटिंग की, हमने शीश महल में, हमने, हाँ कोई ऐसी जगह जो थी हमने छोड़ी नहीं। हम 6 बजे घुसते थे शालीमार गार्डन्स में और वो गेट बंद हो जाते थे, और हम जाके वहां पे नाइट के पहले सीन्स करते थे, जब सुबह 6 बजने लगते थे हम दिन के सीन करते थे। अब आप वाह सोचो 8 बजे हमें हर कीमत पे खत्म करने थे वो सीन्स, 3 4 दिन लगे मगर साउंड बहुत अच्छी आई, एक शोर नहीं आया, एक अजान की आवाज नहीं आई, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग्स किए हुए थे, अजान किस वक्त होती है, इशा की किस वक्त होती है, मगरिब की कब होती है हमारी, इसकी जोहर की कब, ये सारा मुझे असबर याद था, ये मैंने सारे लिखे हुए थे, मेरे असिस्टेंट होता था। अब आप देखिए कि वो ऐसा मेरा एक, मुझे नहीं पता था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि ये एक क्लासिक बन जाएगा। बिल्कुल बहुत बीच में हुए मसाइल कि हमारे पास पैसे तो इतने थे नहीं, एकेडमी का ये प्रोडक्शन थी, खाना बिल्कुल हमारा पकता होता था एकेडमी में, पक के जाया, क्योंकि एकेडमी में किचन भी था, वहां से बन के जाता था। अच्छा, आउटडोर में सफें बिछ जाती थी, जेबा बख्तियार, आसिफ रजा मीर, हमारा ड्राइवर, हमारा कुक, हमारे जितने असिस्टेंट्स थे, हमारे लाइट मैन, हमारा कैमरामैन, 10 15 बंदे जमीन पे बैठ के हम खाना खाते थे। कभी आज तक किसी आर्टिस्ट ने, वरना आजकल तो नखरे आप देखें, आप जरा बुला के देखें मायरा खान को, या कहे मैं तो नहीं खाऊंगी इस ड्राइवर के साथ, हालांकि सारा दिन चाहे वो करती रहे ऐसे, जिन घरों से वो आई हमें पता है, मगर ये लोग जो रजे पुजे लोग थे। अब जेबा बख्तियार याहिया साहब की बेटी जाहिर थी, है ना, कोई जाहिर है, आप देखें कि कैसे कैसे घरों इतनी की अच्छी बच्ची, होती। अच्छी देखिए अच्छी साथ साथ वो मीना कर रही थी, साथ साथ वो तानसेन, और दोनों सिमिलर रोल्स थे। तो अब वो क्या हुआ कि आखिरी सीन हम करने गए अटक, दरिया के ऊपर सीन था, तो मुझे मेरा जो साउंड वाला, मैंने साउंड वाले से कहा था, मैंने कहा देखो कुछ भी हो जाए तुमने मुझे नहीं ओके करना, जब तक साउंड तुम्हारे कानों में हेडफोन पहन के तुम बैठे हुए हो तो तुमने ये करना है। अच्छा, अब उसने मुझे, जब वो आखिरी सीन हो रहा था, अटक और जेबा ने बॉम्बे जाना था, तो उसने कहा जी ये तो सीन नहीं अच्छा, ये तो साउंड आ गई, फलानी आ गई, हॉर्न आ गया ट्रक का। हाँ अब जी मैंने, जेबा खड़ी हुई थी देख रही थी, सुन रही थी मेरी जो सारी परेशानी, कहती ना कोई बात कल देखिए, रात की फ्लाइट है ना, सुबह क्या सुबह हम आ जाएंगे, ये शॉर्ट करके मैं चली जाऊंगी, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा एयरपोर्ट। देखिए बात, कितना, वरना वो कहती नहीं जी बिल्कुल मैं तो, मुझे राज कपूर ने बुलाया मैं तो जा रही हूँ, नहीं, सुबह सुबह 6 बजे वो रेडी थी। मैंने उसको बलोचिस्तान हाउस से पिक किया, क्योंकि उनके वालिद अटॉर्नी जनरल लगे हुए थे बीबी के, 89 की बात कर रहा हूँ, बेनजीर का दौर था। जी तो वो वहां से मैंने उसको पिक किया,
किया, उसने अपना वो सारा कॉस्ट्यूम पहने, अटक किले में जाके हमें कमरा मिला हुआ था, उसने मेकअप कराया, उसने चेंज किया, वही कंटिन्यूटी जाहिर है, वहां से सीन किया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और 10 बजे हम फारिग हो गए, मैंने उसको एयरपोर्ट छोड़ा और वो चले गए। ऐसे लोग थे, क्या यादें हैं बताओ जी। अब देखिए उज्मा गिलानी है या मुनीजा हाशमी है या मीमी फॉर एग्जांपल, जावेद जबार साहब की बेटी महरीन, बहुत अच्छी, पहला प्ले वो मेरे पास लेके आई थी महरीन। अच्छा, उन्होंने ताई पे एक उनकी शॉर्ट स्टोरी पे किया था, तो मैंने कहा महरीन, उनके वालिद साथ थे, उनका देखो, मैंने कहा महरीन देखो इसमें साउंड एक तो अच्छी नहीं है, आपने जाके फ्लैट्स में रिकॉर्डिंग की भी थी छोटे छोटे, अभी उसको नहीं ना पता था कि ये साउंड जो है वो क्या नाम, किस चिड़िया का नाम है और ड्रामे में कितनी अहमियत है साउंड। तो मैंने कहा देखो ये चीजें, और फिर दूसरा ये है असमत चुपताई का प्ले पीटीवी नहीं चलाएगा, ये मैं आपको बता दूं साफ कह दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने उस एक दिन मुझे मिली, मैंने कहा मीमी अभी जो फिल्म लगी थी ना, तो प्रीमियर पे टीना सानी भी थी, मैं भी था, हम सारे थे, उनकी सारी कास्ट भी थी, तो सबके सामने कहती है मीमी कि देख ख्वाजा साहब मेरे गुरु है, मैं उनका जी कैसे, पहला प्ले मैं लेके गई थी इनके पास, इनका था मीमी ये प्ले नहीं, इसको दोबारा से बनाओ। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हैं, देखे तो सीखने वाले तो ख्वाजा साहब फिर आज भी हैं, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे आपने अपने उस आतिजा से सीखा, आपसे भी आगे बचे। आप यकीन कीजिए मैंने इन शोज में जो आपके साथ कर रही हूँ, मैंने इतना सीखा है आपसे, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ये कह सकती हूँ, लोगों से कहता हूँ मैं, आई एम टेलिंग माय, जितने भी बच्चे आते हैं ना आजकल, जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना ये आलम शौक का, ये 50 एपिसोड्स में कर चुका हूँ, और उन एपिसोड्स में मैंने जितने भी, मुझे टीना सानी ने कहा, उसने कहा देखो ये आलम शौक का आप कर रहे हैं, आपने ट्रिब्यूट है ना किसी एक सिंगर को या एक शायर को, मुनीर नियाज़ी को, तो आप एक काम करो अब हमें तुम भूल जाओ, तुम नए जो इनकी 8वीं या 10वीं जनरेशन है ना, तुम उनको पिक करो। मैंने कहा जी अच्छा, आई वेंट, अब क्योंकि उनके दादा परदादा के साथ मैंने काम किया हुआ, तो खुशी से वो, अब देखें पटियाला घराना के असद अमानत का बेटा, अच्छा फिर उसके बाद उनका जो छोटा भाई था उसके बेटे दो, अली और वो सलमान, वो तीन थे, वो तीन का एक ग्रुप बना हुआ है, एक शफकत का बेटा है वो छोटा है अभी, मैंने पहले मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो ये एक आपकी, आप ही के पटियाला को हम दे रहे हैं ट्रिब्यूट, आपने अपनी चीजें चुनो और बेहतरीन चीजें जो वो कहो। उसके बाद देखिए उनका चलने के फौरन बाद मुझे शाम चौरासी घराने से शुजात अली खान भी आपने किया जी, आप उससे पूछिएगा। अच्छा वो मुझे पता है ये लोग आते हैं ना, जब क्योंकि मैंने इनके दादाओं के साथ और इनके वालिद के साथ सबके साथ काम किया, तो एक तो मेरे गोडों को हाथ लगाते, मुझे वैसे शर्म आती है, हाजिरी देने आए, आप ये ना समझिए कि हम वो करने आए, हम आपका लौटाने आए जो आपने कर हमारे पे है ना, आपके हमारे दादा ने काम किया, मेरे वालिद ने किया, सदमानत ने किया, उन्होंने शाम चौरासी के उन्होंने किया वह है, नजाकत अली, सलामत अली खान, आगे से शफकत उनका बेटा, सबके साथ मैंने काम, फिर आप सोचिए ग्वालियर घर आने के जो थे शगन साहब, उस्ताद शगन बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा जी, और वो भी रोशनारा बेगम के प्रोग्राम में मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा जी आए, चूंकि आपने डुएट गाया हुआ रोशनारा के साथ, उन्होंने डुएट भी गाया हुआ एक फिल्म में, तो अब आप सोचें ये लोग कितने गुनी थे। अच्छा अब उन्होंने आज तक, अब कितना बड़ा स्टेटस, और मैं तो बिल्कुल कोरा, मगर आई नेवर प्रिटेंडेड के मुझे मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ उनके सामने, मैं वैसे बता देता खान साहब यहाँ से यहाँ तक जाना है आपने, अब देखिए जब आप गाएंगे ना तो मुंह को इतना ना खोलिएगा जरा सा, अब तान भी आपने लेनी है तो मुंह टेढ़ा ना कीजिएगा, इस तरह देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले रिकॉर्डिंग से पहले कैमरा ऑन करके ना आई यूज्ड टू टेल देम, क्योंकि देखिए क्लासिकल जो सिंगर्स है ना, एक तो आवाज बड़ी बिगाड़ते हैं, दूसरा यूं करके टेढ़ा करके मुंह इतना बुरा बनाते हैं कि लोग तंग आ जाते थे। अच्छा फिर सम पे तो वो इतनी जोर से यूं गिरते थे लगता था अभी फौत हो जाएंगे, यू सी दीज आर द लिटिल तब मैंने कहा कि सम आया आप आराम से ले आगे चले जाएं, लता जी भी तो सम पे आती है ना क्लासिकल गाने, या मैडम उन्होंने तो कभी आज तक नहीं हुआ कि वो बेहोश हो गई, चीख मार के सम दिखाना है, वो ऐसी चीजें थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था जी, मैं था तो यंग, मैं था छोटा, मैं इन सबसे वो था, मैंने कहा भी मुझे नहीं आता, तो मैडम ने कहा कि आप मैं सिखाओगी,
नजम ये मैं बताऊंगी तुम्हें, देखो मेरे सामने तो ये दोनों बैठे हुए, बाबा जी भी हैं, मन्नो भाई भी हैं, बाजे पड़े में, क्या मुश्किल है। जब रिकॉर्डिंग हम कर रहे होंगे मन्नो भाई तुम्हें बताएंगे, देखो ये है नजम जो भी राग है, एमन राग है। अब एमन जो है वो शाम का राग है, एमन राग में कोमल और तीवर। अच्छा फिर ये सारी बातें, अब गाने कौन कौन से जरा तुम्हें पता लग जाए। मैं हूं शाम का राग सुल गए जो भी सुने, अगर हाँ, मैंने आपने सुना। फिर दूसरा मुझसे पहली सी मोहब्बत, मोहब्बत मेरे शाम महबूब। के राग अपना पूछ आई और आके चली। अच्छा अल्लाह अल्लाह वो हुए मुझसे हम कलाम, हाँ आ जाने की ना जिद करो, कर। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के, मैंने आपको 10 बता दिए अब मुझे सब, फिर आप में भी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी ना, एज ए यंग मैन। अभी आप भी देखे अभी मेरी भी उम्र है पे ना जाए, मेरे मेमोरी पे नहीं, जाए। उम्र पे क्या, आप तो अभी भी, आपके साथ तो कोई अभी भी रेस नहीं लगा सकता इस तरह से। जस्ट नंबर्स, यस नो, काम तो वो है जो आपने किया बिल्कुल हो और जो लोग याद करें, है ना, बिल्कुल। यही हाजी बात है साहब, ना। बहुत बहुत ही अच्छा लगा है अभी हमारे ये वाले सेशन जो हो गए हैं। तो आपको इस वक्त तो मैं चाहूंगी आपसे कि आपको मैं थैंक यू कहूं, और फिर हम अपने दो किस और चीज का, प्रोग्राम आपके साथ हमने प्लान करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ऑल द टॉप, मुझे इतना मौका मिल रहा है आपसे सीखने का, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड के अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जी। मैं हमेशा वो काम करता हूं। मुझे मैडम नूरजहां ने एक दफा कहा था कि, मैंने कहा, कहते देखो तुम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए, तुमने एमए अंग्रेजी किया हुआ है, मैं नहीं चाहती कि तुम कुब्बा ग्रुप, अच्छा उस ये सारे जो लोग थे ना जो अंग्रेजी कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से आए थे ना, प्रोड्यूसर्स कई जी थे, तो उनको वो कुब्बा ग्रुप अमजद इस्लाम का करते थे, कुब्बा ग्रुप का। अच्छा उसमें हसनात अहमद का भी नाम था और भी तीन चार लोग थे। तो कहती है तुसी गल सुनो, मेरा जो क्लाइंटेल है ना, मेरे जो मुझे जो देखने सुनने आते हैं, वो सामने छली वाला है, वो सामने जिसने दूध का वो लगाई हुई दुकान लगाई हुई, वो सामने जो चाय का स्टॉल है, रात के 9 का जो शो है ना वो मेरा देखने आते हैं, और मेरे गानों पे वो ही फेंकते हैं चवनिया और अठनिया। ये जो ऊपर गैलरी में बैठे वो थोड़ी फेंकते हैं, वो मेरे वो है ही नहीं मेरे क्लाइंट्स। देखो मैं चाहती हूँ तुम ऐसा काम करो ताकि तुम भी अमर हो जाओ और तुम्हें भी लोग कहें जी ख्वाजा साहब कमर्शियल काम करते थे। ये मैंने वाह उनसे कितनी वाह वाह अच्छी वाह बात है उस वक्त कही जब मैं नया नया टेलीविजन में उनके घर, वाह वाह वाह, क्या ग्रेट कितनी लोग अच्छी, थे। मैंने उन चीजों को पिक किया। देखो शुगुप्ता, आई पिक दोज गुड थिंग्स जो उन्होंने मुझे बताई हैं, और अभी तक मैं उन्हीं को मैं निकालता हूँ किताब। अब मैं सोचता हूँ ये राग पीलू में क्या क्या था, अच्छा मैंने लिखी हुई है डायरी में, मैं फौरन देखता हूँ अच्छा पीलू में ये राग है, इसमें ये है ये है ये है, और ये जो है मैडम ने भी गाया हुआ है पीलू में, ये भी गाया हुआ है ये भी गाया हुआ है। सारी फिल्म के गाने, अब आप सोचें एक जो ओपी नैयर की एक फिल्म थी उसमें सारे के सारे गाने पीलू के थे, मधुबाला की जो फिल्म थी वाह जिसमें वाह वो बड़े अच्छे गाने थे वो सब में बने थे, ओपी वाह, नैयर की फिल्म थी, अब आप सोचिए। तो इस तरह के लोग भी थे जो एक साथ के साथ गाने एक ही राग में बनाए उन्होंने, क्या हैं बात, हाँ कितनी बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। फाजिल साहब, आप मुझे ना, लास्ट मिनट है हमारे पास, आप मुझे गिमी टीवी के लिए क्या गाइड करेंगे कि मुझे और किस तरह से सीखना चाहिए? एज माई मेंटोर आप मुझे आपको क्या? नहीं सीखना चाहिए, आप तो खुद बड़ी अच्छी हैं, आप देखें दूसरों को देखें। सबसे बड़ी बात जो आपने खूबी है ना, आप मार्जिन देती हैं पार्टिसिपेंट को, जो गेस्ट है आपका, कि वो बोल सके। अब बीच में आप देखें सब में खूबी आप में, आप इंटरप्ट नहीं करती, आप एक सवाल करती हैं और आगे से यू वेट फॉर द आंसर, यू वेट फॉर द कंप्लीट आंसर जो मैं देता हूँ, फिर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सबसे बड़ी खूबी आप में, किसी और में मैंने तो नहीं देखी ये खूबी, क्योंकि अगली जो हमारी हैं बहुत सारी, अब मैं नाम लूंगा तो फिर वो चिढ़ जाएंगी, वो बोलने नहीं देती, वो चिड़ 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 करके, टेलीविजन की एंकर्स हैं, मेरी उनसे कभी नहीं बनी। शनाज को भी मैं डांटा करता था, शनाज शेख ने मेरे साथ बहुत काम किया, अनवर मकसूद ने मेरे साथ बहुत काम किया, आप सोचे नवीद शहजाद ने मेरे साथ, उन्होंने कभी इररेलेवेंट बात नहीं करनी, टू द पॉइंट सवाल करने और जवाब का वेट करना है, दिस इज द देखें तभी तो वो चीजें कामयाब होती हैं, वो एंकर्स भी कामयाब हैं, नवीद शहजाद भी, अनवर मकसूद भी, छोटा सा सवाल करेंगे कभी वो किसी का, अच्छा जब वो गेस्ट आ जाए ना कोई उसका, वो कभी मजाक नहीं उड़ाते अनवर भाई, उनमें ये खूबी है। आपने उनके साथ अभी किया काम? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करना
एंकर का काम है, उसको स्पेस देना। क्योंकि देखिए, आपने गेस्ट को बुलाया है, थैंक यू सो मच, मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, आगे भी काम करना है। मैं आप बहुत अच्छा कर रही हो, डूइंग वंडरफुल जॉब, वरना तो मैं अगर ना अच्छा कर रही थी मैं भाग जाता। मैं क्यों आपके साथ चौथवीं की फोर्थ एपिसोड है जो हम आपस में कर रहे हैं। So it's my pleasure also. मेरा भी फायदा है, लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ कहेंगे कि ऐसे पता नहीं अपना वो क्या समझता है, आता ज्यादा Not at all. मैं तो यही समझता हूँ राजा साहब, यू डिजर्व दैट कि आपको सेलिब्रेट किया जाता। ऑनेस्टली आई एम नॉट बफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं काबिल नहीं हूँ वैसे, बाय द वे, आपको सेलिब्रेट करने के लिए मतलब कि मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, और शायद ये क्रेडिट अल्लाह ताला ने गिनी टीवी को देना था कि हमने ख्वाजा नजमुल हसन कि मैंने काम किया ना आपके वालिद के साथ, ये तो बाद में मुझे पता लगा, ये जब आपने उस दिन मुझे कहा, मेरे को ये तो किताब मेरे पास है, उस दिन मैं किताब लेके आया, मैंने कहा स्पेशली बताऊंगा कि मैं उनके पास जाता था कश्मीर पे, जो भी मुझे काम करना होता था ना, आई यूज्ड टू आस्क हिम। देखिए अच्छी चीजें मैंने उनसे पिक की, आपके वालिद से, बहुत अच्छे इंसान थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं रेडियो जाया करता था, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मुनव्वर सुल्तानों को मैं रिकॉर्ड करूं। अच्छा, अब वहाँ पे उनके मियाँ अयूब रुमानी साहब थे, रेडियो पे कंट्रोलर थे, मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा अयूब साहब प्लीज़ मैं मुनव्वर सुल्ताना का एक इंटरव्यू कर, नहीं नजम छाडो, तो उन्हें मैनू नहीं कदे गाना सुनाया, तो तैनू की सुना, मैंने कहा जी मैं गाना तो सुनना ही नहीं, मैंने तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है ताकि फॉर ऑल टाइम्स टू कम, उनका कोई इंटरव्यू है नहीं बाय द वे, नहीं माने। अब मैं एक ट्रिब्यूट तो करूंगा ही उनको, उनके गानों पे इंशाल्लाह, मैं भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिश थी। जी हाँ, थैंक यू सो मच राजा साहब, आप यकीन कीजिए, मेरा दिल चाहता है कि टाइम की कैद ना हो, तो मैं आपके साथ, आप यकीन करें, 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस मैं ले सकती हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, मुझ में भी उतना स्टेमिना है, डोंट वरी। मैंने लाइव ट्रांसमिशंस बहुत किए बाय द वे, 3 घंटे की लाइव, और मैंने कोई तकरीबन 20 साल लाइव ट्रांसमिशंस की, 13 अगस्त के लाइव शोज, 6 सितंबर के जितने शोज होते, डिफेंस डे, ये मेरे जिम्मे होते थे, दो दो ढाई ढाई तीन बहुत काम आपने किया ख्वाजा साहब, ऐसा काम है, आपको पता है कि इन प्रोग्राम से लोगों को पता चलेगा, मतलब पता भी है, आपका नाम ही काफी है। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त है यूएस में है, उनको मैंने कहा वो के आजकल मैं जरा बिजी हूँ, तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, ख्वाजा साहब ने टाइम दे दिया तुम्हें। नहीं, अरे ऐसी बात कर रही हूँ, आप मुझे जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा, आई कम टू यू, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।